नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लकी ट्रिक्स पर। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और अपने दोस्तों को रेफर करके भी आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिंडा आईडी एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन कल ही लॉन्च हुई है और कल ही मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली अपडेट देता हूँ कौन सी नई एप्लीकेशन आने वाली है, कौन सी एप्लीकेशन अब जाने वाली है, इसके मेरे विड्रॉल कैसे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लकी ट्रिक्स के ऊपर आके यहाँ पे मैंने अपना दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर मुझे मैसेज करें तो यहाँ पे आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना है। भाई मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करता हूँ, जो इसमें रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें अकाउंट बनाएं। सिर्फ अकाउंट बनाने से आपको इसमें अर्निंग नहीं होगी। अगर आप अकाउंट बना के छोड़ देंगे तो कंपनी आपका भी अकाउंट फायर करेगी, साथ साथ मैंने आपको लिंक दिए तो मेरा अकाउंट भी फायर होगा और जो भाई रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका अकाउंट भी फायर होगा। तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी साइड इनकम करना चाहते हैं, जो भाई इसमें रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसमें अकाउंट बनाएं। तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी जैसे सेंड करेंगे तो आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपना इन्विटेशन कोड पहले ही मिला रहेगा, फिर आएगा पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर अपना सेट करके साइनअप करना है। साइनअप करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, वापस साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्लान कैसे हैं। तो जैसे अपन प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो इनकी वैरायटी है, रेजिडेंशियल और शॉप। रेजिडेंशियल में चार इन्वेस्टमेंट प्लान है और शॉप में पास दो है। तो रेजिडेंशियल में जो है 620 रुपये का पहला प्लान है जिसकी 45 दिन वैलिडिटी है, 38 रुपये आपको डेली मिलेंगे और 1710 रुपये टोटल आपको इनकम मिल जाएगी। फिर बात करते हैं इसका सेकंड प्लान। सेकंड प्लान जो है 2750 रुपये का है, 45 दिन इसकी वैलिडिटी है, 170 रुपये आपको डेली इनकम है और 7650 रुपये आपको टोटल अर्निंग होगी। फिर बात करते हैं तीसरा इन्वेस्टमेंट प्लान जो 5800 का है, 375 रुपये आपको डेली इनकम है, 45 दिन इसकी वैलिडिटी है, 16875 रुपये आपको टोटल देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं चौथे प्लान की। इसका लास्ट प्लान है 12100 रुपये का है, 45 दिन इसकी वैलिडिटी है, 800 रुपये आपको डेली इनकम है और 38000 आपको टोटल इनकम इसमें मिलेगी। फिर बात करते हैं शॉप में। शॉप में आएंगे तो इसमें दो प्लान है, 500 का है, 3000 का है। 500 में क्या है, 7 दिन इसकी वैलिडिटी है, 110 रुपये डेली इनकम है, टोटल आपको 770 रुपये देखने को मिलेंगे। दूसरा प्लान है 3000 रुपये का, 15 दिन इसकी वैलिडिटी है, 500 रुपये इसकी डेली इनकम है, 7500 आपको टोटल देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको कौन सा प्लान लेना है, कौन सा नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा 620 का ले सकते हैं, 2750 वाला ले सकते हैं और शॉप में 500 रुपये वाला ले सकते हैं। बाकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपनी रिस्क पर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई थी इसके जो प्लान थे कैसे। अब इसमें रिचार्ज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होम बटन पर अपन आएंगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा रिचार्ज। रिचार्ज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कितने का प्लान लेना है, भाई 500 का लेना है, भाई 650 का लेना है, 2750 का लेना है, यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है, चैनल 1, 2, 3 जो भी आपको अच्छा लगे वो क्लिक करके यहाँ पर आप रिचार्ज बटन दबाएंगे तो आपको फोनपे, पेटीएम, गूगल पे का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई थी रिचार्ज की, उसकी प्लान की। अब विड्रॉल कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है। बैंक डिटेल के लिए आपको माइन पे जाना है, इसमें आपको दिखेगा बैंक, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है और OTP के लिए आपको यहाँ पे सेंड करना है। OTP जैसे ही आपको रिसीव होगा यहाँ पे ओके करके आप कंफर्म कर देना, यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल सेव हो जाएगी। फिर बात करते हैं विड्रॉल की। अब इसमें विड्रॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन आएंगे होम बटन पर। होम बटन पर जैसे ही आएंगे आपको दिखेगा विड्रॉल। विड्रॉल में आप जैसे जाएंगे तो आपको जो भी विड्रॉल अमाउंट करना है यहाँ पे अमाउंट फिल करना है, जो भी आपको विड्रॉल लेना है वो आपको अमाउंट यहाँ डालना है और विड्रॉल करना है। इसमें 24 घंटों के अंदर आपको इसका विड्रॉल मिल जाएगा और एक दिन में आप एक विड्रॉल ले सकते हैं। 5% इसका टैक्स है और मिनिमम विड्रॉल 200 रुपये। तो इसकी ये तो बात होगी थी इसकी रिचार्ज कैसे करना है, प्लान कैसे है, विड्रॉल कैसे है, इसके जो अदर ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। अब इसमें रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं, आप इसको रिवॉर्ड भी कह सकते हैं और बोनस भी कह सकते हैं। जैसे अपन रिवॉर्ड पाएंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ 300 रुपये मिलेंगे, कब, जब 3 इन्विटेशन होंगे, 10 की टीम होगी, 10 की आपकी टीम होनी चाहिए, 3 जने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 300 रुपये एज ए बोनस आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड बोनस की, जिसमें आपको 50 की टीम बनानी है, 5 जने इसमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए तो 1200 रुपये एज आपको मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं तीसरे बोनस की, जिसमें 100 जनों की आपकी टीम बनानी है, 10 जने इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 3000 एज ए बोनस फ्री में आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बोनस की, जिसमें 200 की टीम आपको बनानी है, 20 जने इसमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए तो आपको 10000 रुपये एज ए बोनस मिल जाएगा। लास्ट है अगर 1000 जनों की टीम बनाते हैं और 50 जने भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एज ए 20000 आपको फ्री बोनस देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप अच्छी टीम बनाइए जिसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एक तो आप रेफर करके भी अर्न करेंगे और एज ए बोनस इसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। और एज ए बोनस इसमें डबल आप इसमें अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लास्ट ऑप्शन माई की।
माई में जैसे आप देखेंगे इसका रिचार्ज विड्रॉल है ऊपर दे रखा है, बैंक में आपको बैंक डिटेल डालनी है, माई प्रोफाइल में आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। अगर आपको कोई कंपनी बोनस देती है तो यहाँ पे कोड डाल के यहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज पासवर्ड, अगर आपको कोई पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मनी रिकॉर्ड, इसके अंदर आपको जो मनी का रिकॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा, भाई ऑल रिकॉर्ड रिचार्ज विड्रॉल जो भी है यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है लॉगआउट, तो यहाँ से आप अपना साइन आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।